फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2023 ट्यूजडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी जो है 103.62। कल के दिन में हमने क्या देखा, थोड़ा सा बाउंस बैक फ्रॉम द बॉटम। बेसिकली ये जो लेवल है डॉलर इंडेक्स का एज वेल एज जीबीपी डॉलर यूरो डॉलर का, ये 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ जुलाई अक्टूबर जर्नी। इन केस ऑफ डॉलर इंडेक्स द अपवर्ड जर्नी का 61.8% रिट्रेसमेंट, जीबीपी डॉलर एंड यूरो डॉलर में आपका 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी ऑफ जुलाई अक्टूबर। सो इस लेवल को इमीडिएटली तोड़ना इतना आसान नहीं है। सो यहाँ पे और थोड़ा टाइम पास हो सकता है, जिसको हमने देखा है कि कल के दिन एक बॉटम लेवल से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में आप अगर देखोगे डेली पर्सपेक्टिव, डेली पर्सपेक्टिव पे डॉलर इंडेक्स जो है वो है आपका बिलो 40 से अबोव 40 में जाके रुका है। सो इट इंडिकेट्स सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज टू स्लाइट अपवर्ड बायस इन दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स। डॉलर रुपी कुछ बोलेंगे नहीं, बोलती बंद है, सिर्फ मेरा ही नहीं सबका बोलती बंद है। मींस साइडवेज कंसोलिडेशन करने देते हैं, प्रेडिक्शंस को साइड में रखते हैं एंड इंतजार करते हैं कब ये ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट ऑन द ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड और ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड। ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड के लिए ह्यूज 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 इनफ्लोस चाहिए, जो एट द मोमेंट हम देख नहीं रहे। सो ऊपर क्या इनविजिबल हैंड्स प्रोटेक्ट करेंगे 8340 8350 लेवल्स में, सो उसके अलावा और कुछ बोल नहीं सकते। जीबीपी डॉलर, जीबीपी डॉलर का जो आपका 61.8% रिट्रेसमेंट में प्राइस अभी होल्ड किया है। वीकली चार्ट का अभी एट द मोमेंट हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स द जस्ट द सेकेंड डे ऑफ द वीक। तो डेली प्राइस एक्शन का अगर एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बना है। रेंज में आपका 29 नवंबर का हाई दैट इज 1.2733 एंड 30 नवंबर का लो दैट इज 1.2603। सो इस रेंज के अंदर में जब तक है साइडवाइज कंसोलिडेशन। अभी हमें देखना है क्या ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, उसके ऊपर ही नेक्स्ट लेवल ऑफ प्राइस एक्शन या मोमेंटम हम देख सकते हैं। कल के दिन आपका जो प्राइस का सेलिंग हमने देखे फ्रॉम 1.2724 टू 1.2603, ये हमारा एक वीकली एनालिसिस आप अगर अच्छे तरह से देखोगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए हमारा क्या एनालिसिस था कि 1 दिसंबर यानी फ्राइडे का जो लो है दैट मींस 1.2600, इसके लो के नीचे क्लोज देना है। कल के दिन में इस लो को टच किया है लेकिन क्लोज नहीं दिया। व्हाट इट मींस, हमें जो सेलिंग के लिए चाहिए, जो तोप चाहिए, वो तोप अभी तक बना नहीं है। बनने के लिए क्या हो बग्गा कि 1.26 के नीचे एटलीस्ट 1 to 2 hours का क्लोजिंग चाहिए। इन सच ए केस हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी ह्यूज सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं, पॉसिबली टुवर्ड्स 1.2500। ये आपका जीबीपी डॉलर, जीबीपी आईएनआर में आप अगर देखोगे सिमिलरली वही एनालिसिस है कि यहाँ पे एक रेंज कंसोलिडेशन 29th का हाई एंड 30th का लो, इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जो 1 दिसंबर का ग्रीन कैंडल का लो है उसको नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिया। अभी क्या आज इसके लो के नीचे क्लोज देते हैं, दैट मींस योर 105.15 के नीचे आवर्ली बेसिस पे एक दो घंटा अगर क्लोज दे देते हैं, इन सच ए केस हमें फर्स्ट डाउनवर्ड डिप मिल सकता है 104.00 से 104.00
1.10 की तरफ, यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में कल एक सेलिंग देखा गया फ्रॉम द हाई ऑफ 1.0850 टू 1.0804। इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जीबीपी डॉलर। इसके कारण डैमेज जो यूरो डॉलर में है ज्यादा है। सो अभी हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल अपटेक्स का, जैसे जैसे सेल अपटेक्स का अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा, सो हमारा दो टारगेट हो सकते हैं। एक आपका ये वाला टारगेट, दैट मींस योर 1.0745 से 1.0750 का, एंड सेकंड टारगेट इज 1.0660 से 1.0670 के बीच में। एंड यूरो आयलर, यहां पर भी कल एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया, बट द लोअर एंड पे प्राइस रिजेक्शंस हो गया, दैट मींस सेलर्स गॉट डिफीटेड एंड प्राइस बाउंस बैक करके ये जो सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर जाके क्लोज लिया हुआ है। हमें यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज दे, जो अभी हमारा इंतजार है। इस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज देगा तो इन सच ए केस 89.10 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन, डॉलर येन में ये जो वीकली चार्ट है यहाँ पे आप देखो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट में ही पॉज ले रहा है। पॉज ले रहा है का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेल ऑप्टिक्स का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। सेल ऑप्टिक्स में मींस आपका ये है 1.4750, 1.4780 के आसपास अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो सेल कर सकते हैं। देन हमें इंतजार करना पड़ेगा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देने के लिए। एक बार अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं तो बहुत ही बड़ा रिस्क टू रिवार्ड वाला गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस अबोव 1.4830 येन आयनर। येन आयनर पे कल एक हल्का सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमने देखे हैं, और कल के दिन में एक पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार बनाया। अभी ये इन्वर्टेड पिन बार के लो के नीचे माइनर सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अबव द हाई ऑफ द पिन बार एक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबरदस्त रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमें आज या आने वाले दिनों में हमें डॉलर येन एंड येन आईएनआर पे नजर रखना है। डॉलर कैंडी 1.3560 अभी है, कल के दिन में बॉटम लेवल से बाउंस बैक हमने देखे हैं। बाउंस बैक में आपका 1.3480 से ये बाउंस बैक किया 1.3562 तक, एंड अभी के लिए वो वहीं पे है। सो व्हाट इट मींस, इट मींस सम सॉर्ट ऑफ बाउंस बैक फ्रॉम द बॉटम, लेकिन हमें अभी इंतजार करना है सेल ऑप्टिक्स के लिए। 1.3630, 1.3640 लेवल्स में अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो एक ट्रेड ले सकते हैं विथ योर रेस्पेक्टिव स्टॉप लॉस। $80 आपका कल के दिन एक सेलिंग हमने देखे हैं, तो जहां पे हमारा जो टारगेट था, क्या टारगेट था, 0.6730 का, उसमें एग्जैक्टली गया नहीं लेकिन नजदीक जाके आया है 6690। तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, अभी थोड़ा सा सेलिंग देख रहे हैं। अभी इम्पोर्टेंट हो गया ये आपका 30 नवंबर का लो। 30 नवंबर का लो के नीचे और फर्दर सेलिंग हो सकते हैं, लेकिन ये 30 नवंबर का जो लो है वहां पे अगर सपोर्ट मिल जाता है तो फिर दोबारा ये बाउंस बैक के लिए तैयारी करेंगे। डॉलर सी एन एच 7.1455, ये जो सी एन एच एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे
डेली चार्ट का प्राइस एनालिसिस करते हुए एक रेंज बना रहा है। ये जो रेंज है, इस रेंज के बाद हमें देखना है कि कौन सा डायरेक्शन पे प्राइस ब्रेकआउट करते हैं, क्या ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक करते हैं या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट वन हमें एक बढ़िया सा मोमेंटम मिल सकता है। क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर करेंटली एट 79.18, कल एक अच्छा खासा सेलिंग हमने देखा है फ्रॉम 82.50 टू 78.42 एंड क्लोज एट 79.75, अभी 79.18। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है कि वीकली अप्रोचिंग 40, सो थोड़ा सा लोअर लेवल पे एक हल्का सा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हेयरएज मंथली पर्सपेक्टिव में अच्छा खासा सेलिंग हमें मिल सकता है, बट इट मींस इसका मतलब ये है कि डेली चार्ट में अगर हम बॉयल डाउन करेंगे तो अभी यहाँ पे 78.20 पे एक सपोर्ट है। इसको अगर क्या आसानी से तोड़ता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मिल रहा है, क्या इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा? इन सच ए केस 75.50 से 75.75 50 से 76 एक नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट लेवल होगा। यहाँ पे आपका वीकली आरएसआई 40 में आके रुकेगा। उसके बाद इस लेवल के बाद हमें देखना है कि आरएसआई वीकली आरएसआई 40 के नीचे ब्रेक डाउन करते हैं या नहीं। अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट लेवल का डाउनवर्ड मूव हम ब्रेंट क्रूड में देख सकते हैं। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी कल हल्का सा बाउंस बैक किया, एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल। कौन सा सपोर्ट लेवल? आपका 4.23 से 4.25, उसी में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने देते हैं। एंड सेल ऑप्टिक्स के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देखना है। सेल ऑप्टिक्स ऊपर जैसे ही जाएगा हमें सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी क्या है, अभी यही है कि फ्राइडे का एनएफपी डेटा है, एनएफपी डेटा का प्रिंट के ऊपर डिसाइड करेगा कि ये कंसोलिडेट करके थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा या जबरदस्त नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम करने के लिए तैयार हो रहा है। क्या होगा इसके लिए हमें तो फ्राइडे का इंतजार है, अभी मंगलवार है तो और 4 दिन हमें बिताना है। सो फ्राइडे का डेटा नजर में रखना है तो उसके बाद ही एक नेक्स्ट लेवल का एक ट्रेडिंग डायरेक्शन हमें मिल सकता है। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। Those who have not subscribed to my channel, a gentle reminder. Subscribe to the channel. Thank you and have a great day ahead.